हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेके चलते हैं विक्रम बैताल वाली जगह पे, जहाँ कितने सारे पेड़ तो हैं लेकिन एक बरगद का पेड़ ऐसा है जिसमें बैताल उल्टा लटक कर लंबे लंबे बालों नाखूनों के साथ सफ़ेद कपड़े में नजर आता था। एक ज़माने में विक्रमादित्य हर समय जब जंगल के शिकार के लिए आते थे तो अक्सर बैताल वाली पेड़ पे बैठ के आराम किया करते थे। रामायण सीतावट ये बहुत ही ऐतिहासिक है। जो विक्रम बैताल की कहानी है ना, यहीं से हुआ था। विक्रम बैताल सब जानते हैं विक्रम बैताल में क्या हुआ। सुहागर लोग आते हैं अपने। हम कुछ सामग्री लेते हैं, जैसे कच्चा दूध है और पूजा का सामान है। यहाँ जो भैरव बाबा है उस पर चढ़ाया जाता है। ये पति के लंबी आयु के लिए यहाँ पे मन्नतें मांगी जाती है। अभी अभी करवा चौथ भी गया है और ये हम लोग का उज्जैन का भी दर्शन हो गया। हम लोग छुट्टी से जा रहे थे तो ये जगह मैं ज़िंदगी में पहली बार आई हूँ। और जिनको भी कुछ कुछ रहता है ना दोष वगैरह, ये सब पूजा पाठ करा के पंडित जी से शांति करवा लेते हैं। और यहीं पे सिद्धेश्वर महादेव है। हमारे पलारी में भी एक सिद्धेश्वर महादेव है। यहाँ का महादेव सेम नाम से हमको मिल गया और उसका हम दर्शन करने के लिए लाइन पे लगे ही थे। और काफ़ी उतना भीड़ नहीं था बट ठीक लगा हमको। जैसे कि वट सावित्री माता सती अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, उसी प्रकार यहाँ दूध और वो चढ़ा के अपने पति की लंबी आयु की कामना कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ बहुत अच्छा लगता है। आप भी कभी उज्जैन आइएगा तो ये वाली जगह पर ज़रूर आइएगा। देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। विक्रम कौन सा जगह बोल दिए, छिपरा के घाट के जस्ट किनारे ही है। और देखो महाकाल पे दूध ऐसे चढ़ाया जाता है, कच्चा दूध ही चढ़ाया जाता है। काफ़ी भैरव बाबा सबकी मुरादें पूरी करें। देखो ये बरगद का पेड़ 42 ईयर के बाद अपने आप गिर गया। कुछ यहाँ इसके बगल में ही गढ़कालिका 500 मीटर की दूरी पर भी है। आप आइए तो यहाँ तो गढ़कालिका का भी दर्शन ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अब हम तो यहाँ से चले जा रहे हैं कि देखो ये छिपरा नदी है। यहाँ हम लोग उतरेंगे सोच रहे थे थोड़ा पानी वानी छिड़कने के लिए, लेकिन हम लोग के पास उतना टाइम नहीं था, ट्रेन छूट जाती इसलिए हम नीचे नहीं उतर पाए और बस एक भैरव बाबा का दर्शन हो पाया। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को और दिखाएंगे कि हम उज्जैन में और कहाँ कहाँ घूमने गए हैं। आप वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों और इंटरेस्ट के साथ इस वीडियो को देखिए और लाइक्स कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग का प्यार मिलता है तो बहुत खुशी होती है। उज्जैन के बाबा महाकाल की जय। उज्जैन में इतने सारे ऐतिहासिक मंदिर है दोस्तों, आप देखते देखते घूमते घूमते थक जाओगे। उसी में से एक ये है। ये बहुत ही ऐतिहासिक और अच्छा जगह है। आप भी आइए और यहाँ के जगह का दर्शन कीजिए और अपने आप को धन धान्य से परिपूर्ण कीजिए। यह जगह तांत्रिक के लिए बहुत फेमस है। विक्रमादित्य जब शिकार करने आते थे तब उनको एक बाबा का दर्शन होता था, वही बैताल बाबा जो यहाँ आकर हमेशा उनसे बातें किया करते थे राजा विक्रमादित्य, और शिकार के लिए फिर जाते थे। यह बहुत पहले जंगल था, अब तो थोड़ा अच्छा बन गया है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको भी पिंडदान वगैरह देना रहता है या श्राद्ध के लिए पूजा पाठ कराना रहता है या फिर संतान प्राप्ति के लिए पूजा पाठ कराना होता है या पंडित जी को बोल के आप करवा सकते हैं। यह स्थान बहुत ही अच्छा है ये सब के लिए। आप भी कभी आइएगा तो यहाँ ज़रूर आइएगा दोस्तों। बाय बाय।